हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, यूजीसी नीट नेट हम लोग का निकल गया है, उसी में आपको मैं कुछ कुछ बताने जा रहा हूँ। मेनली एक और भी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि जो बीटेक वाले हैं, ये हम लोग का यूजीसी नेट में एलिजिबल हैं कि नहीं, या कौन कौन सा ब्रांच जो है वो यूजीसी में एलिजिबल है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो मैंने यूजीसी नेट लिखता हूँ, यूजीसी, देखिए यूजीसी नेट ये जो 2024 वाला है, इसे मैं खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया नेशनल। ये नेट जो हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हमको लोग का होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ, मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ, इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है क्योंकि मैंने पढ़ा था। इसको मैंने मिनिमाइज़ किया और यहाँ जो मैंने डाउनलोड किया है उसे मैं खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी से जून 2024 हम लोग का 2 बार होता है। ठीक है, नीट का एग्ज़ाम जो हम लोग का है वो 2 टाइम्स होता है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं, तो हम लोग का सेकंड पेज से देखें, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एट ए ग्लेंस, ये हम लोग का पेज 2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पेज 2 में आते हैं। आप देखिए क्या क्या है भाई। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोग का सैटरडे से 20 अप्रैल से शुरू है, और कब तक कर सकते हैं हम लोग, 10 मई तक कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट भी देख लीजिए भाई, लास्ट डेट हम लोग का क्या है, 11 से 12 मई। अब 12 मई का क्या, हम लोग का 12 बजे से पहले, याद रखिएगा 12 बजे से पहले। ठीक है, फी वगैरह आपको जमा कर देना। ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि जनरल के लिए कितना है भाई, 1150, और जनरल EWS OBC NCL का नॉन क्रीमिलियर, इसका कितना हम लोग का 600 600। और वही जो SC ST और PWD 68 जेंडर, ठीक है, ये सारे का हम लोग का है 325 रुपये, 325। और कुछ इम्पोर्टेंट है वो कर लेते भाई हम लोग का, वो करेक्शन वगैरह तो आप देख लीजिएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग का कब है, 16 जून को है, 16 जून को है। ठीक है, ड्यूरेशन हम लोग का 3 आवर का है, 3 आवर्स का है। ठीक है, और यहाँ देखा देखिए 180 मिनट, मतलब 3 आवर्स। 2 पेपर रहेगा भाई, अब बिना ब्रेक का पेपर 1 पेपर 2 देना होगा। अब हम लोग आगे आते हैं, देखिए ये जो हम लोग का है कैटेगरी करके दिया हुआ भाई कि नेट किस किस के लिए देना होगा। तो देखिए आपको GRF के लिए भी नेट देना पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तब भी आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, आप PhD एडमिशन लेना है तब भी आपको होना चाहिए। ये कैटेगरी 1 में है। अब है कि सिर्फ आप चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने और ये एडमिशन ले PhD में, तो कोई GRF छोड़ दीजिए, हम आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तब भी आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, PhD में एडमिशन लेना तब भी नेट क्वालिफाई करना, आप कोई एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको नेट का एग्ज़ाम देकर PhD में एडमिशन हो जाएगा। कैटेगरी 3 जो है इसमें सिर्फ PhD एडमिशन लेना चाहते हैं, तो GRF से कोई मतलब मत रखे, असिस्टेंट प्रोफेसर जब तक PhD नहीं कीजिएगा आपको नहीं एलिजिबल होइएगा। इसमें भाई आप PhD में एडमिशन सिर्फ लेना चाहते हैं तब भी आप नेट दे सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ, ये सब भी पढ़ लीजिएगा आप। कैटेगरी 1 2 जो था वो मैंने आपको बता दिया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और मैं सीट बेस्ड मोड होगा, ये चार देख लीजिए, यानी यहाँ पे ये जो लिखा है। अब है पैटर्न ऑफ एग्जाम, तो पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होगा। पेपर 1 होगा हम लोग का 100 मार्क्स का, पेपर 2 होगा हम लोग का 200 मार्क्स। पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन हम लोग का 50 रहेगा और पेपर 2 में हम लोग का रहेगा 100, दोनों मिला के हम लोग का क्या हो जाएगा 150। तो 150 क्वेश्चन रहेगा
3 आवर्स ड्यूरेशन का, कितना रहेगा हम लोग का 3 आवर ड्यूरेशन का। अब ये है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है, ये जो हम लोग का लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है और उसका कोड हम लोग को अपेंडिक्स 2 में दिया हुआ, यही चीज़ है। मीडियम जो हम लोग का है यहाँ पे, मीडियम ऑफ पेपर ये हम लोग का इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर से हम लोग को मतलब है भी नहीं। ऐसे भी ये वीडियो मेनली हम बीटेक और कुछ अपने पर्सनल स्टूडेंट हैं उनके लिए बना रहा हूँ। ये जो है मेकिंग स्कीम, देखिए ईच क्वेश्चन हम लोग का रहेगा 2 मार्क्स का, अब एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 2 मार्क्स। सबसे बड़ी चीज़ में इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए भरिए टेंशन मत लीजिए एकदम, कोई नो नेगेटिव मार्किंग। देख रहे हैं देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, इनकरेक्ट के लिए कोई नहीं है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे हफ्ते हम लोग क्वालिफिकेशन के लिए कि भाई नीट का भरने के लिए आपको क्या चाहिए, जनरल के लिए कितना हम लोग का मार्क्स चाहिए, 55 मार्क्स, और SC ST के लिए हम लोग का 50 मार्क्स। लिस्ट देखिए SC ST के लिए 50 मार्क्स चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री वगैरह तो आप देख ही लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि भाई आपको PhD करने के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो कैंडिडेट हु है पासिंग 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव मिनिमम कितना चाहिए, 75% मार्क्स, 75% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट स्केल वेर ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो बाय ए रिलैक्सेशन ऑफ 55 मार्क्स, मतलब 70% ही होना चाहिए किसके लिए, SC ST के लिए, किसके लिए, बिलोंग टू SC ST OBC में नन क्रीमी लेयर जो हुआ। और इकोनॉमिकल बैकवर्ड का आज पर ये, अब यही चीज़ है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन नेट, जो नेट क्वालिफाई करते बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर फेलोशिप GRF एन एडमिशन टू द PhD, यानी GRF के लिए एलिजिबल होंगे, माने GRF PhD के साथ साथ GRF उनको मिल जाएगा PhD में, ठीक है। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन नेट, नेट में जो क्वालिफाइंग बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। देखिए लेकिन ये जो 4 ईयर से ही कर रहे हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं होंगे किसके लिए, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के, लेकिन PhD के लिए वो एलिजिबल हैं और उनको आपको पैसे जो है वो मिलेगा भी। ये भी कह रहा था द कैंडिडेट हु आर परसुइंग 4 ईयर, जो मैंने लास्ट ईयर में अभी हैं, लास्ट 8 सेमेस्टर 4 ईयर यानी 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम आर इन दियर लास्ट सेमेस्टर, जो लास्ट सेमेस्टर में हैं ईयर में, ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट, ये भी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शुड बी एलिजिबल टू अवार्ड GRF एडमिशन टू PhD ओनली आफ्टर फुलफिल द रिक्वायरमेंट कंटेनिंग द ग्रांट कमी, मतलब आपको डिग्री मिल जाना चाहिए भाई एडमिशन से लेने से पहले, ठीक है, और नहीं तो आपको नेट रिजल्ट के बाद जो है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आपके पास डिग्री नहीं रहा तो। तो डिग्री तो आपको मिल ही जाएगा भाई, जून तक सबका आ जाएगा, जून में एग्ज़ाम है इसका मतलब जुलाई में आप लोग का एडमिशन होगा, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। इंस्ट्रक्शन है तो मेन वही चीज़ था, तो आप जान लीजिए यहाँ पे मैं साफ साफ लिखने जा रहा हूँ। हाँ आते हैं कंप्यूटर साइंस में, आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस, और एक एज वाला भी बता देता हूँ भाई। देखिए ये जो हम लोग का GRF के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 जून 2024 तक, ठीक है। लेकिन
असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसके लिए कोई एज नहीं, देयर इज नो एज लिमिट फॉर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर को, और जो सिर्फ पीएचडी में भी एडमिशन लेना चाहता है देयर नो अपर एज लिमिट, यानी हम लोग का पीएचडी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और कोई डाउट रहेगा तो आप बताइएगा, उसको मैं फिर शॉर्ट करके अलग से बता दूंगा। अभी मैं सब्जेक्ट पे जाने जा रहा हूँ किस किस सब्जेक्ट वाले नेट हम लोग का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आर्ट के लगभग सभी लोग दे सकते हैं। ये अब जा रहा है, देखिए अपेंडिक्स वन हुआ, इसमें आपको फी वगैरह कुछ कुछ का बताया, नेट बैंकिंग कैसे करेंगे, मेन हमें टू अपेंडिक्स टू से मतलब, देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट एंड दियर कोर्स, लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट एंड दियर कोर्स, ठीक है। तो ये हम लोग आ गए हैं, देख रहे हैं सीरियल नंबर वन से, तो हमने इंटरेस्टेड है कंप्यूटर साइंस में, किसके हैं हम, तो देखिए सीरियल नंबर 14 कंप्यूटर साइंस एंड अप्लीकेशन, ठीक है, ये वाला जो इसका कोड हम लोग का 87। तो जो भी बीटेक किए हैं किससे, कंप्यूटर साइंस से, किससे, कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE, ये जो अगर फाइनल ईयर में है तब भी, फाइनल ईयर वाले माने एट सेमेस्टर इसमें एलिजिबल है, या जो बीटेक किए हैं वो भी। और हम लोग का यहाँ पे लेंगे सीरियल नंबर 20, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस, माने जो बीटेक किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से वो एलिजिबल है, वो हम लोग का एलिजिबल है। तो देख भी लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोड क्या है, 88। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि भाई बीटेक वाले भी जो है हम लोग का वो भी एलिजिबल है, ठीक है। ये भी कौन सा, CSE ब्रांच, CSE ब्रांच, और हम लोग का ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, और हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम लोग का हुआ वो एलिजिबल है। ये दो ब्रांच एलिजिबल, इसी से हमें मतलब है, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का हमेशा वेलकम है। थैंक यू।